नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में, आपके साथ सोनू। हॉकी एसोसिएशन एवं अरमान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एनसीसी ग्राउंड में आयोजित हुआ संगोष्ठी कार्यक्रम। इस दौरान खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी एमके धौलपुरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम को लेकर युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने के हेतु विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद का हॉकी खेल में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेला और इस दौरान 400 से अधिक इंटरनेशनल गोल दागे। 29 अगस्त की तारीख भारत के लिए बेहद खास है। आज हमारा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इस दिवस को देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे हॉकी खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। ध्यानचंद की उपलब्धियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारतीय खेल के इतिहास को नए शिखर पर पहुंचाया था। इस अवसर पर हॉकी एसोसिएशन इकाई रीवा के अध्यक्ष सुनील मिश्रा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी एमके धौलपुरी, अरमान फाउंडेशन के पदाधिकारी रोहित श्रीवास्तव सहित अन्य समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में मेजर ध्यानचंद का जो जन्म जयंती मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में रीवा के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हम लोग सब आज एकत्रित होकर के जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसका अरमान फाउंडेशन के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं करते हुए और पूरे रीवा और मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जो सामाजिक काम, पौधरोपण और जन जागरण, स्वास्थ्य के संबंध में उनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसी कड़ी में ये भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज सुबह से ही हम लोग एकत्रित होकर के खेल का आयोजन और खेल के आयोजन के साथ साथ जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम बना करके और यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं दादा ध्यानचंद की स्मृति में पूरे हिंदुस्तान में बड़े ज़ोर शोर से आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। केंद्र शासन और राज्य शासन की संयुक्त रूप से ये पॉलिसी है कि सभी खेलों का सभी स्तर पे ये आयोजन किया जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, कल्चरल प्रोग्राम का हो, चाहे डुएट का हो, किसी भी स्तर पर दादा ध्यानचंद को याद किया जाए और नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाकर सभी लोगों को फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए और ग्राउंड से जुड़ने के लिए, स्पेशली सभी छोटे और बड़े लोगों को ग्राउंड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी योजना है।